तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है एसटी कर्मचारियों के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसटी कर्मचारियों की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी है। एसटी कर्मचारियों की 3 महीने से हड़ताल जो है वो जारी है, विलीनीकरण को लेकर लगातार मांग की जा रही है, जिस पे सरकार भी अड़ी हुई है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई थी, सुनवाई को अब शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है। राज्य सरकार से विलीनीकरण की मांग की जा रही है। क्या कहा है वकील ने, सुनिए। केस में और राज्य सरकार को कहा कि आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा और याचिकाकर्ता याचिका के अंदर जो विरोधाकर जो हम हैं 65,000 कस्टडियों के लिए हम पैरवी कर रहे हैं, हमें वो रिपोर्ट देना पड़ेगा। सरकार की आज एक और एक बात खुल गई, एक राज खुल गया। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी ने वो राज खोला, क्योंकि जो पहले आदेश हुआ था कि मुख्यमंत्री उद्धव जी का उसके अंदर जो है अपना मत देना था, वो मत जो है प्रेस्ट तरीके से आया था। माननीय न्यायालय ने कहा कि दूसरे नंबर के पैराग्राफ देखो, जिसके अंदर हमें नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव जी का, उसके अंदर स्पष्ट रूप से मत आया है। इससे सरकार की जो मंशा है वो कष्टकारियों को पीड़ित करना है, ज्यादा से ज्यादा मौतें होना है, इससे संबंधित है। हमने माननीय न्यायालय से कहा हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसी पैरवी करेंगे, क्योंकि हम तो महाभारत के संजय नहीं है। क्या चल रहा है मुख्यमंत्री उद्धव के दिमाग में और क्या चल रहा है शरद पवार जी के दिमाग में, ये हम कैसे पता चला है। माननीय न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट देनी होगी, मुख्यमंत्री का अभिप्राय हमें देना होगा और उसके बाद ही इस याचिका के ऊपर सुनवाई होगी। और उसी के साथ ये कहने की कोशिश करते रहा सरकार कि वो जो है एक चीज मांग रहे हैं कि जो तस्करी है उनको सैलरी बढ़ा दी, ये कर दी, वो कर दी। हमने कह दिया माननीय न्यायालय को, ये महाराष्ट्र का इतिहास है, जबकि एक कॉज के लिए 100 के करीब लोग मृत्युमुखी हुए हैं, लड़ाई में वीर मरण पाए हैं, तो ऐसे चीज को सरकारी वकील झूठा दलीलें दे रहे हैं। हमने कहा कि 7वां वेतन आयोग का कोई भी किसी भी तरह से कि पैसा या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसका जो हमारे पास है डिफरेंशिएटर स्टेट के साथ का, ये सारा होने के बाद सरकार की मुंह बोली बंद हो गई और न्यायालय से सरकार कहने लगी हम देने को तैयार है। कुमार कुमार कुमार।